अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। साथियों इस्लामिक चैनल पे सिर्फ आपको इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी। इसमें मैं जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मैं एक ओवरव्यू करा देता हूँ। इसमें आपको कुरान साइटेशन, कुरान ट्रांसलेशन, इस्लामिक वज़ाइफ, हदीस ऑफ द डे और प्रेयर टाइम शेड्यूल इसके अंदर शामिल है। तो आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है वह है जनाब शिया इस्लामिक कैलेंडर, यानी कि अहले शी के जो अगला 2024 का जो साल है उसमें किस इस्लामी और किस दूसरी शमसी महीने और कमरी महीने किस किस डेट को क्या क्या विलादतें और शहादतें हुई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलते हैं वीडियो में। ये वीडियो मैंने हुसैनियत.com की वेबसाइट से आपको दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो जनवरी का जनाब जो मंथ है 2 जनवरी 20 जमातानी बिलाद शहजादी बीबी सैदा फातम। उसके बाद यकम रजब 445 हिजरी विलादत इमाम मोहम्मद बाकर। उसके बाद 16 जनवरी, इससे पहले 14 जनवरी 3 रजब शाद इमाम अली नकी। 16 जनवरी 5 रजब विलाद इमाम अली नकी। 9 रजब 20 जनवरी विलाद हस्त अली असगर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम। 21 जनवरी ब्रोस हफ्ता 10 रजब विलाद इमाम मोहम्मद तकी। 24 जनवरी ब्रोस बुध 13 रजब विलादत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। 2 फरवरी 22 रजब नजर इमाम जाफर सादक। 25 रजब 5 फरवरी ब्रोस सोमवार शहादत इमाम मूसा कासिम। 26 रजब 6 फरवरी ब्रोस मंगल वफात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। 27 रजब 7 फरवरी ब्रोस बुध यौम बैत मेराज नबी। यकम शाबान 445 हिजरी विलाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। 2 शाबान फास्टिंग इन रमज़ान। उसके बाद 3 शाबान विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 4 विलादत हज़रत अब्बास अलमदार। 5 विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 7 विलादत हज़रत कासिम इब्ने हुसैन इब्ने हसन अलैहिस्सलाम। 21 फरवरी 11 शाबान विलादत हज़रत अली अकबर इब्ने हुसैन। 24 फरवरी बरोज़ हफ्ता शब बारात। 25 फरवरी 15 शाबान बिलाते इमाम मेहदी अस्करी उस्मान। उसके बाद मार्च का मंथ और शाबान और रमज़ान। यकम रमज़ान 11 मार्च। उसके बाद 20 मार्च 10 रमज़ान वफात हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। 25 मार्च 15 रमज़ान विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। 18 रमज़ान 28 मार्च ज़बूर की।
रिविलेशन। उन्नीस रमज़ान 29 मार्च सुबह ज़रबत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। 31 मार्च 21 रमज़ान शहादत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। 2024 यकम अप्रैल 22 रमज़ान शब कदर, उसके बाद 3 अप्रैल 24 रमज़ान जुमतुल विदा, यकम शवाल 1445, 10 अप्रैल बरोस बुध ईद उल फितर, 17 अप्रैल 8 शवाल यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी, 19 अप्रैल 10 शवाल हैबत कुबरा इमाम अखरुज़्ज़मान का स्टार्ट है। उस वक्त मई 2024, 4 मई 25 शवाल शहादत इमाम जाफर इमाम सादिक, 9 मई यकम ज़िकात, 9 मई यकम ज़िलक़ादा, 19 मई 11 शवाल विलादत इमाम अली रज़ा। जून का मंथ स्टार्ट हो गया जनाब, 25 ज़िलक़ादा, 2 जून विलादत अज़्द इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद 6 शहादत इमाम मोहम्मद तकी, यकम ज़िलहिज्जा, 8 जून निकाह मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम और अपनी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि, 12 जून 5 ज़िलहिज्जा फात अबू ज़रगफ़ारी, 7 ज़िलहिज्जा 14 जून शहादत इमाम मोहम्मद बाकर, 8 जून 8 ज़िलहिज्जा 15 जून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा और मदीना कर्बला की तरफ हिजरत की, 16 जून 9 ज़िलहिज्जा शाहत हजरत इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील, 17 जून बरोज सोमवार ईद उल अज़हा, 22 जून 15 ज़िलहिज्जा विलादत इमाम अली नकी, 25 जून 18 ज़िलहिज्जा ईद ग़दीर, 4 जुलाई में यकम मुहर्रम स्टार्ट होगी 1446 हिजरी को, 2 मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला पहुँचे, 10 मुहर्रम 17 जुलाई आशूरा मुहर्रम, उसके बाद 12 मुहर्रम होगी 19 जुलाई को स्वयं शुहदाए कर्बला, उसके बाद आ जाते हैं अगस्त में। अगस्त का महीना जनाब
25 मुहर्रम यकम अगस्त को शाते इमाम ज़ियामुल आबिदीन, 3 तारीख को शाते अस्त मिसमत तिमार यकम सफ़र स्टार्ट होगी 1446 हिजरी, स्टार्ट होगी जनाब 7 अगस्त का, सॉरी उसके बाद 13 अगस्त 7 सफ़र विलादत इमाम मूसा काज़िम, उसके बाद 19 अगस्त 13 मुहर्रम शाते बीबी सकी सकैना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम, 23 अगस्त 17 सफ़र शहादत इमाम अली रज़ा, 26 अगस्त 20 सफ़र अरविंद शहदाए करबला, 30 अगस्त 24 सफ़र शहादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद सितंबर का मंथ आ जाते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, वफ़ात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सितंबर, उसके बाद यकम रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाएगी 1440 जो है वो 5 सितंबर को, 8 सितंबर 4 रबीउल अव्वल को वफ़ात मासूमत, 8 रबीउल अव्वल को शहादत इमाम हसन अस्करी, 9 को ईद ज़हरा, उसके बाद 17 रबीउल अव्वल को 21 अगस्त को विलादत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद 22 सितंबर 18 रबीउल अव्वल विलादत बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा। अक्टूबर में आ जाएंगे आप, अक्टूबर 2024 रबीउल सानी की यकम होगी 5 अक्टूबर को, और विलादत इमाम हसन अस्करी है 10 अक्टूबर, सॉरी 14 अक्टूबर और 10 रबीउल अव्वल होगी। नवंबर का महीना और यकम जमादी सानी होगी जनाब 3 नवंबर बरोज़ इतवार को, 15 नवंबर 13 जमादुल उला शहादत बीबी सैयदना फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, दिसंबर 24 में यकम जमादी सानी 1446 हिजरी होगी ना 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर बरोज़ बुध शहादत बीबी सैयदना फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसके बाद 22 दिसंबर 2024 20 जमादुस्सानी विलादत शहज़ादी बीबी सैयदना फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो साथी ये तो था पूरे साल यानी 2024 का विलादत और शहादतों का शेड्यूल 2024 का, मैंने इसको शिया इस्लामिक कैलेंडर के नाम से लिख दिया ताकि इसमें आपको तमाम विलादत और शहादतें एक ही वीडियो मिल जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हुई, पसंद आई हो तो मेरे इस्लामिक फैमिली टीवी को आप सब कर लें, अच्छी वीडियो कमेंट्स दें और शेयर कर दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।